हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ जी एक बार चेक करो आवाज वगैरह आ रही है क्या, चेक कर लो आवाज आ रही है क्या। और लास्ट अपने क्वेश्चन कौन सा किया था बता दो थोड़ा मेरे को। हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, ओके है। हाँ जी चलो स्टार्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन कहां तक किया था मैं, अपने पहले कल की पेपर की बात कर लेते थोड़ा बहुत है। यहां तक करवा दिया आई थिंक है ना, इससे आगे करवा दिया था। हाँ जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो पेपर में क्या हुआ, पेपर में होगा चमत्कार। क्या होगा सर, चमत्कार हो गया लेकिन थोड़ा बहुत हुआ है। देखो हमेशा होता है, आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी टीचर्स ने पेपर लिया उसने कुछ ना कुछ हटके दिया है ना। हालांकि मेरे पास अभी पूरे पेपर क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़े, लेकिन बच्चे बता रहे सर 2021 के क्वेश्चन आए हैं, 2021 और 2022 के करंट अफेयर आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शायद कल पेपर में 2021 के आगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो 2022 से जुलाई से क्वेश्चन आएंगे, जून या जुलाई से। ठीक है 2022 जून या जुलाई से, क्योंकि इन्होंने क्या किया टीसीएस एक साल का इन्होंने पेपर का गैप मान लिया पूरा एक साल। क्योंकि 2021 अगर 22 की बात करें तो 2022 से लेकर 2023 पूरा एक साल हो जाता है। कितना हो जाता है, पूरा एक साल के पेपर इसने उठा लिए है ना। हाँ पूरा पूरा एक साल पेपर उठा लिया। और टीचर देखो हर बार कुछ ना कुछ चेंज जरूर करता है, इसी के लिए टीचर जाना जाता है। और अब की बार उसने चेंज ये कर दिया कि उसने लगभग 1.5 साल पुराने क्वेश्चन ले लिए, तभी कहते हैं, तभी ये बात सही कही जाती है कि करंट अफेयर तभी फायदा होता है जब आप स्टार्टिंग से पहले डे से लगाते हो। और क्वेश्चन की नंबर ऑफ संख्या की बात करें तो वो 15 से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 2021 के क्वेश्चन आने कांस्टेबल में कभी नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूं, देखो पेपर आज का हो जाए उसके बाद इनका 26-27 का मैं उनको वो क्वेश्चन करवा दूंगा, 2021-22 वाले ट्राई करूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि 2021 के क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन थे, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन थे 2022 के। किसके थे, 2022 के। आज पता लगेगा एक्चुअल में, अगर आज भी अगर क्वेश्चन आते हैं 2021 के, इट मीन ये श्योर है कि 26-27 को भी 2021 के क्वेश्चन पेपर में 100% छपेंगे। अगर आज क्वेश्चन नहीं आते 2021 के, मुझे ऐसा लगता है कि आज क्वेश्चन जो आएंगे वो 2022 जुलाई से लेकर और ये मान लो जून 2023 तक के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ठीक है हाँ, क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी। कांस्टेबल विच भी 2021 होंगे सर जी, आज पता लग जाएगा ढिल्लन साहब जी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्योंकि आज जो पेपर, अगर आज भी 2021 के क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब श्योर हो जाएगा कि 2021 के क्वेश्चन 26 और 27 को भी आएंगे। ठीक है हाँ ठीक है सर, 10 क्वेश्चन आए। सेकंड शिफ्ट में जो बच्चा पेपर देगा उसने बोला सर 14 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं कम से कम। ओके तो ये क्वेश्चन का आंसर दो, द ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री इन द न्यूज वेयर वाज द 5000 ईयर ओल्ड ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री लोकेटेड, ये कहां पे था सर, ये साउदर्न चिल्ली में। कहां पे, साउदर्न चिल्ली। और घबराना नहीं, मैं आपको बता देता हूं अगर आपके क्वेश्चन 2022 के आते हैं तो फिर आपके लिए नहीं सारी दुनिया के लिए आएंगे वो। हाँ मैं 2022 का आपका रिविजन करवा दूं, कोई बात नहीं, कल अपने 2022 रिविजन कर लेंगे। पर आज आज का वेट करना है पहले कि आज का क्या पेपर आता है। ठीक है हाँ जी, तो आंसर क्या है सर, आंसर आएगा सर चिल्ली।
आंसर क्या आएगा? आंसर है चिल्ली। आंसर आएगा चिल्ली। ठीक है, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या है? आंसर है सर चिल्ली। क्या है? चिल्ली। चलो एक बार देख ले, देखो मैं आपको बता देता हूं, कल जो बच्चों ने क्वेश्चन बताए थे मेरे को, इसका निशान चला गया यार। चलो आप बता दो कोई क्वेश्चन आपको याद तब तक है। हाँ जी सर, 2021 से 2022 से करंट अफेयर थी, मैराथन ला दो। चलो ट्राई करेंगे, लेकिन आज के पेपर का वेट करेंगे भाई। ठीक है, पहले आज का पेपर देख के आओ, जिस चीज का पेपर है वो देख के आओ, पता लगे पेपर में आ क्या रहा है। है एक तो नेक्स्ट पेपर पूछा था कल पहली पारी में। हाँ जी, हाँ आज पता लगेगा टीसीएस क्या चीज है। बिल्कुल बिल्कुल आज पता लगेगा कि पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, और आप ऐसे बच्चे हो कि आप एक एक क्वेश्चन भी याद नहीं रखे आते। जब हमारा क्या होता, जब हमारे पेपर होते ना, हम पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखे ले आते थे, हम पूरा पूरा क्वेश्चन। हाँ सर, चार नेशनल पार्क सी, हाँ चार नेशनल पार्क को मिलाना था। जब हमारा पेपर होता हम पूरा पूरा पेपर ही उतार के ले आते थे, और आपको भी 15 क्वेश्चन भी याद नहीं रहे किस टाइप क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट बार कौन सा आया था? नेक्स्ट बार चार आए थे, चारों को मिलाना था आपस में, चारों को आपस में मिलाना था। हाँ हाँ वो ये 4 नेक्स्ट बार आए थे सर, अरेंज करने से। यहाँ जसविंदर जी वही बता रहा हूं मैं, अरेंज करने से चारों को। वो तो कोई बात नहीं, वो तो हो जाता, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ी टेक्निकल एरर आ गई है, अभी बोर्ड आगे चल नहीं रहा, तो आप वेट करो 2 मिनट का।
सर 2021-22 दे करंट अफेयर की क्लास लगाओ, लगाएंगे वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन पहले कंफर्म तो होना कि पेपर में क्या अभी आएंगे या नहीं आएंगे, एक बार कंफर्म तो होने दो ना पेपर, क्योंकि आज का पेपर है उसके बाद पता लगेगा कि आएंगे नहीं। उससे एक पेपर में कोई ऐसे डाल दिए आज नए डाल दे, मोलेम नेशनल पार्क नामदा नेशनल पार्क पूछा सी, मोलम तो कहां पे है, मोलेम नेशनल पार्क नामदप्पा और मोलेम नामदप्पा अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ टीचर्स एसएससी में सर एक साल का पूछता है, बिल्कुल पूछता है, वो तो वहां तो आता ही आता है, वहां तो श्योर है एक साल का पेपर में। सर कांस्टेबल का पेपर का लेवल भी सेम होगा, बिल्कुल भी सेम ही आएगा, ठीक है। पी टी प्लस भी कलर दी करंट अफेयर दस्तों, सर पी टी प्लस भी नहीं पूछेगा ज्यादा पुराना, 6 महीने से ज्यादा। अंसी नेशनल पार्क पूछा था कर्नाटक में, और नाम तो आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। प्रदीप जी का सर मैं राजस्थान मानगढ़ से, ओके जी ओके, चलो तब तक तो सारे बता दो कौन कहां से हैं। क्वेश्चन अभी तक एक एक ही हुआ है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया, इस वजह से क्लास आगे अभी कंटिन्यू हो नहीं रही है। एक मिनट रुको, टेक्निकल का बंदा आता है कोई, वो सही करेगा। हाँ जी करो, थले का तो थले थले नहीं किता यार, हाँ ये गल है ना, थले गया क्यों, कट गए अपलोड करनी है, ये नहीं आएगा यहाँ से, बड़ा थले चले गए ना, इतने देर से वो होंगे बटन चलाओ थोड़ा दोबारा चलाओ। क्लियर भी नहीं हो रहे, हाँ जी मैं कहता ना आपको मत जवाब, ओके चला रही है, टेंशन आ रहा आप है, दोबारा स्टार्ट कर दिया है। कांस्टेबल पेपर कितना टाइम पड़ा, कांस्टेबल पेपर भी जुलाई में बता रहे हैं, कोई तो कह रहा अगस्त में होंगे सितंबर में होंगे, लेकिन मैं बता दूं जुलाई में पूरी पूरी संभावना है कांस्टेबल पेपर की। ज्यादा नीचे ना मैं तो कुछ कितना नहीं था, वो नीचे ही ना था वो हाथ से होगा वही। सर जी मैं उत्तराखंड से हूँ, ओके सारे लिखो, सारे मलोड से है सर, अबोर से भी है, वाह डोडा, डोडा तो जम्मू कश्मीर वाला, दुदा दुदा
मुक्तसर साहिब के पास में, ओके। सर किसे दी नजर लगी जी तुहाडे तो जो भी तबियत सही नहीं भाई, सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। सर डब वाली से भी गंगानगर से भी जुड़े हैं ना मनजीत को, शाबाश क्या बात है। रामपुरा बरनाला, हां जी सर, फाजिलका तो भी है, रामा मंडी तो भी है, वाह अमृतसर तो भी है, शाबाश। को चंडीगढ़ से नहीं है कोटकपूरा, सारे सारे बच्चे लाइक कर दो और एक बार लिखो कमेंट में जय मां सरस्वती, सारे लिख दो, जब तक लिखोगे तब तक क्लास चल जाएगी। जितना जल्दी जय माँ सरस्वती लिखो उतना जल्दी क्लास चल जाएगी, यहाँ जय माता दी लिखो। वाहे गुरु जी, हाँ जितने जो जो याद कर सकते हैं सारी चीजों को फास्ट लिख दो, क्योंकि उतना लिखते सारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी करें शुरू, चलो हाँ जी अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कहता है एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव स्टेट वाज इंडियाज बिगेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इनॉग्रेटेड, कहां पर इसकी शुरुआत की गई है। हाँ जल्दी करो, शाबाश वास्त आंसर करो और जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दो। हाँ जी करो करो जल्दी, शाबाश। हाँ जी करो जल्दी, शाबाश आंसर करो, क्या आएगा। सी आर एस सी कर्नाटक, बिल्कुल सही आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ये रहा
कहता विच ऑफ द फॉलोइंग वार्ड इन केरला बिकम द फर्स्ट फुली इंश्योर्ड वार्ड, कहता केरला में ऐसा कौन सा वार्ड है जो फुली क्या है, फुली इंश्योर्ड वार्ड हो गया है, कौन सा वार्ड हुआ है। हाँ जल्दी करो, आएंगे जल्दी करो आंसर। क्या आंसर आ गया, एक नंबर आ रहा है, एक नंबर, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आंसर आएगा एक नंबर, क्या है सर आंसर, एक नंबर आएगा, एक नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर। अगले पे आ जाओ, कहता वो है सैंडली स्वर्ण एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, कहता इनमें से कौन यूपीएससी के चेयरमैन बने, कौन यूपीएससी के चेयरमैन। देखो एक बात सुनो, अगर मैं बताता हूँ आपको 2022 का करंट अफेयर आ भी गया पेपर में, ठीक है, 2021 का, तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 6 दिन में अपने सारा का सारा मेन मेन जिस टॉपिक से क्वेश्चन है वो रिवीजन कर लेंगे। लेकिन एक बार आज फाइनल होने दो कि आज कौन से वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको करवा दूंगा, घबराना नहीं है। स्पेशली जो कांस्टेबल वाले वो तो बिल्कुल निश्चित हो जाओ आप, अगर आया है तो अपने कर लेंगे, लेकिन आज का पेपर होने दो एक बार है, उसके बाद अपने निश्चित हो जाए कि क्या आया है, ठीक है। मनोज सोनी, क्या है सर, बी ऑप्शन आएगा, मनोज सोनी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है एज पर द सेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप सुंडर द कमांड ऑफ रियर एडमिरल गुरचरण सिंह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट डिपार्टेड टू कंबोडिया एज पार्ट ऑफ द इंडियन नेवी डिप्लोमेट टू द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कंट्रीज, बताओ क्या आंसर है, कौन से दो जहाज गए हैं, जल्दी करो शाबाश, क्या आंसर आएगा। सर फिर तुसी घूमन ने चल जाओगे, कोई बात नहीं, कैंसिल कर देंगे आपका, आपको करवा के जाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। कभी साथ नहीं छोड़ते अपने स्टूडेंट्स का, टेंशन ना लो आप, अगर आया कुछ अलग अटके तो वो भी करेंगे, ठीक है। आगे चलो नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कतर सैंडली विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड मेरी लाइफ इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में यह प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री द्वारा शुरू किया गया है, हाँ जी कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा यह शुरू किया गया मेरी लाइफ, हाँ जी आंसर क्या है सर, आंसर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सी ऑप्शन आएगा, क्या क्या सर है, सी ऑप्शन, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आएगा, क्या क्या सर है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। एक बार क्लास को सारे बच्चे लाइक करो। अगला क्वेश्चन कहता है एज पर द सेंट रिपोर्ट फ्रॉम वेयर डिड द फर्स्ट एवर डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विस टू दुबई, अभी कहता है कहां से दुबई के लिए एक डायरेक्ट फ्लाइट सर्विस शुरू हो चुकी है, कहां से शुरू हुई सर, ये आपको बहुत पहले करवा दिया सर, ये शुरू हुई है भुवनेश्वर से, कहां शुरू हुई थी, भुवनेश्वर, एक नंबर आएगा, क्या सर भुवनेश्वर है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सारे बच्चे क्लास को एक बार लाइक कर दो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है एज पर द सेंट रिपोर्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क टू रिड्यूस डिजीज इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ऑफ 2025, क्या आंसर आएगा, इंटरफिटिलिटी, अनेमिया, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज या फिर ब्रेस्ट कैंसर, क्या आएगा भाई, जल्दी करो शाबाश, क्या आंसर आ रहा है।
सारे क्लास को लाइक करो, पहले तो बी आंसर है, लेजेंड का आंसर बी है, भूपेंद्र का आंसर ए आया है, अमन ने कहा सर एनीमिया आएगा, एनीमिया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का आंसर लगभग क्या आएगा, सही आ जाएगा, आंसर है सर बी ऑप्शन एनीमिया, क्या आएगा एनीमिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है एयर पर द सेंट पोर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ई चिट्स एप्लीकेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, करो करो जल्दी करो शाबाश, क्या आंसर आएगा, हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, एनालिसिस कर लो सर, हाँ वही तो कर रहे हैं ना कि क्या आएगा, अभी एक बार आज फाइनल हो जाए पेपर, उसके बाद अपने पास 7 दिन का टाइम है, अपने चेक कर लें क्या आया, ठीक है, आंसर आए सर आंध्र प्रदेश, क्या है सर आंध्र प्रदेश, आंसर आएगा डी ऑप्शन, क्या आएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिसेंटली इन मई 2023 हु हैज रिसीव्ड द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ द इंडिया गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी, ये किसको दिया गया, ये आपको करवाया था याद करो, ये अपने अवार्ड में किया था, हाँ जी, क्या आंसर है शहबाज जल्दी आंसर दो, हाँ जी डी आंसर नहीं आएगा इसका, यस ने कहा सर बी आएगा बी, हाँ परसों वाले मैराथन में से नहीं है, ये मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या होगा सर सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू हैज बीन सैडली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन द यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी, किसको चुना गया है, हाँ वेरी गुड पोपे नु, वेरी गुड शाबाश, बहुत बढ़िया याद करवाया था पोपे, किसको पोपे को, आंसर क्या सर आंसर आएगा बी ऑप्शन एमईई पोपे। अगला कहता है सेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूज मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम द इंडियन नेवल्स फ्रंट लाइन गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इंडियन नेवल शिप, किसको लॉन्च किया गया, कौन सी मिसाइल को लॉन्च किया गया है, इस मिसाइल का नाम क्या सर, बर्मोस है, कौन सा है बर्मोस मिसाइल, आंसर क्या है सर ई ऑप्शन आएगा, क्या सर ई ऑप्शन आएगा बर्मोस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया लगभग बच्चों का आंसर क्या है सर बर्मोस आया, शाबाश। नेक्स्ट देखो, कहता है एज पर द सेंट रिपोर्ट वेयर हैज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर नासा लॉन्च इट्स सेकंड फुटबॉल स्टेडियम साइज हेवी लिफ्ट सुपर प्रेशर बैलून, कहां पर लॉन्च किया गया नासा द्वारा, नासा का एक बहुत फेमस मिशन था कैपस्टोन मिशन, हाँ जी करो करो जल्दी करो आंसर क्या आएगा, क्या आंसर आएगा बताओ भाई,
कौन सा था नाश्ता द्वारा? आंसर है सर वानाक का। क्या है सर? वानाक का डी आंसर। क्या है सर? डी आंसर। एक बच्चे कमेंट आया कि अब एसआई के बारे में कोई बात ही नहीं करते। देखो मैंने पहले आते सारे एसआई के बताया, मैंने कहा कि सुनने में ये आया कि 2021 और 2022 का जी क्या थी। देखो जब तक फाइनल मेरे को खुद को नहीं पता लगेगा कुछ भी कहना गलत होगा, लेकिन हाँ ये मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये हो सकता है जून 2022 से लेकर अब तक का जीके पूछ ले, क्योंकि एक साल पे फोकस करता है टीसीएस लगभग। ठीक है, हाँ अगर फिर भी कोई आया 2021 का तो अपने बातचीत कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन द 10 मीटर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट एट द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप इन बाकू अजरबैजान। कहते अजरबैजान में प्रतियोगिता में किसने अवार्ड ये खिताब जीता है? मनप्रीत जी, अगर सर 2020 के कारण, मनप्रीत जी बहुत मुश्किल होता है, कहना बहुत आसान होता है सर 2020 के करवा दो, 3 साल पीछे चलना पड़ता है, लेकिन अगर आज पेपर में रियल में आज क्वेश्चन आगे 2021 के 20 छोड़ो 2021 के आएंगे, अगर आगे तो अपने 2021 के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट करवा दूंगा आपको 2021 और 2022 कल नहीं आज शाम को ले आएंगे, पर एक बार पता लगने दो पैटर्न का कि आ क्या रहा है, क्योंकि कभी यूपीएससी भी एक साल से पुराने क्वेश्चन नहीं लेता, एक साल से आईएएस पुराने क्वेश्चन एक डेढ़ साल से पुराने नहीं लेता। तो ये तो बात अगर 2020 के आगे 2020 के तो भाई साहब ये 3 साल हो गया, ये तो इतिहास बदल जाएगा, आज तक नहीं हुआ कभी। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी टू स्ट्रेंथ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? जल्दी करो आंसर क्या आएगा। हाँ जी आंसर ई आर है। क्या सर? आंसर ई आर। शाबाश, पोस्टन भी और पढ़ाई भी, ई आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है इस पर द सेंट रिपोर्ट वेयर हैड द मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च द ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर? ये अभी हाल ही में कहां पर लॉन्च किया गया है? जल्दी जल्दी करो सारे बच्चे, क्लास को लाइक करो, 150 से ऊपर लाइक हो जाना चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। हाँ जी जल्दी करो जल्दी। क्या आंसर आ रहा है? आंसर है सर न्यू दिल्ली। क्या है सर? न्यू दिल्ली। बी ऑप्शन हमारा क्या होगा सर? बिल्कुल सही होगा, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है सैंडली मई में विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री होस्टेड द 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? कहता है छठी भारतीय इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई? जल्दी जल्दी करो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये आयोजित कहां पर की गई? तो ये सर न्यू कहां पे आयोजित की गई सर? बांग्लादेश में। कहां पर आयोजित हुआ इसका आयोजन है? बांग्लादेश, बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर रिसीव्ड ए भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड फ्रॉम द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद? रामनाथ कोविंद से यह अवार्ड प्राप्त किया है। आंसर क्या सर? योगी आदित्यनाथ थे यूपी के सीएम। कौन थे सर? योगी आदित्यनाथ थे यूपी के सीएम, बी ऑप्शन सही आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट ऑन ग्लोबल मैटरनल डेथ स्टिल बर्थ एंड न्यू बोर्न डेथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग इन द लिस्ट? कहता किस कंट्री में ये सबसे ज्यादा मौतें हुई है?
तो ये सबसे ज्यादा मौतें कहां पे हुई सर? इंडिया में हुई है। शाबाश, बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा कहां पे हुई सर? इंडिया के अंदर ये रिकॉर्ड हुआ है भाई। एक नंबर आएगा क्या सर? इंडिया आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन स्टैंडली अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट सीईओ ऑफ ट्विटर? ट्विटर के नेक्स्ट सीईओ किसको बनाया गया है? ट्विटर कंपनी के सीईओ किसे बनाया गया है? करो करो जल्दी करो। आंसर सर बी ऑप्शन आएगा, लिंडा ग्याकिरिनो। क्या है सर? बी ऑप्शन है। क्या है सर? बी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट है, एज पर द सेंट रिपोर्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? सीबीआई के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? सीबीआई। इसमें सी, इसमें स्पेलिंग का सिस्टम था सारा। आंसर आएगा सर प्रवीण सूद को बनाया गया। एक नंबर आंसर आएगा। क्या आएगा? एक नंबर आंसर आएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द सेंट मई 2023 रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल एयर स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट ज्वाइंट यूजर इंटरनेशनल एरोड्रोन इन द साउथ एशिया पैसिफिक रीजन? ये किसने अचीवमेंट प्राप्त किया है? हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। करो करो जल्दी करो। आंसर क्या है सर? आंसर है सर आईएनएस हंसा। क्या सर? आईएनएस हंसा, डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज हेल्ड ए बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज का नाम है समुद्र शक्ति 2023 विद इंडिया, फ्रांस, इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया, नेपाल? किस देश के साथ इसका आयोजन किया गया? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे बच्चे, क्लास को लाइक करो। सर पेपर है चे भी ऑप्शन पांच आएंगे? नहीं जी, चार ही आएंगे। आंसर क्या है सर? आंसर आएगा इंडोनेशिया। क्या आएगा? इंडोनेशिया, बी ऑप्शन। देखो लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, मैं आपको बता दूं कि एक पेपर में दो, एक साल के क्वेश्चन पहले पूछे गए एक डेढ़ साल के, लेकिन जैसे जैसे अगला पेपर आया क्वेश्चन क्या आ गए? नए आने शुरू हो गए। क्या आ गए? नए आने शुरू हो गए। तभी मैंने कल शाम को क्लास नहीं लगाई, मुझे लगा कि अभी आज के दिन का वेट करते हैं, आज में आज वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। अगर आज भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर अपने को ये लगेगा कि हाँ, अगर आज भी क्वेश्चन आ गए कुछ, अगर 2021 के या 22 के, तो फिर ये श्योर है कि आने वाले पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एज पर द सेंट रिपोर्ट हु हैज बिकम द लीडिंग विकेट टेकर इन द इंडियन प्रीमियर लीग? आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बना है? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नवदीप कौर जी, गुड मॉर्निंग। करो करो जल्दी करो, आंसर क्या आएगा? आंसर है सर यजुवेंद्र चहल। एक क्वेश्चन मुझे, एक क्वेश्चन मैंने इधर तो सर्च किया कल, एक क्वेश्चन आया था स्वीडन की 2021 में, क्या हुआ था 2021 में? पहली बार ऐसा हुआ स्वीडन में एक प्रधानमंत्री महिला बनी, उसका नाम पूछा हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि किस देश में 2021 में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी, तो वो स्वीडन था। कौन सा था? स्वीडन। ये शायद पहली पारी में आया था कहीं पे। एज ऑफ मई 2023 मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज कवर्ड 728 रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री विद मोर देन 701 स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन ओएसओपी? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, कौन सी कंपनी द्वारा किया गया?
हाँ जी आईपीएल 2010 विच पंजाब का कैप्टन पूछा सी सर जी, तो आईपीएल 2010 में पंजाब का कैप्टन कौन था बताओ। 2010 में यार आईपीएल का कैप्टन पूछा, फिर तो कमाल हो गई यार। ये तो मतलब आपको शायद मनप्रीत जी आपको पेपर में ज्यादा मेरे को लगता है टेंशन हो गई थी, 2020 का पूछा था ठीक है, 2010 का नहीं था। ओके तो इसका आंसर क्या सर, इसका आंसर हमारे पास आएगा डी ऑप्शन। क्या सर? डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखो क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम दैट अलाउ यूजर टू ब्लॉक एंड ट्रेक देयर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन अक्रॉस इंडिया। बताओ कौन सा चलाया था, कौन सा कैंपेन चलाया था, जल्दी जल्दी करो आंसर। अगर इसने पूछा है 2010 में कैप्टन पूछा है तो मैं ये कहता हूँ यूपीएससी को खत्म करके टीचर्स को यूपीएससी का चार्ज दे देना चाहिए। हाँ बताओ जल्दी करो। फिर तो भाई भगवान ही ऑप्शन आंसर दे सकता है, यहाँ भी टीचर्स वाले दे सकते हैं। 2010 का कैप्टन पूछा यार, आंसर क्या आएगा, आंसर है सर संचार साथी। क्या आएगा सर? संचार साथी प्रोग्राम सही होगा, सी ऑप्शन आएगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सीनेट हैज कंफर्म डॉक्टर गीता राव गुप्ता फॉर द पोजीशन ऑफ एम्बेसडर एट लार्ज फॉर द ऑफिस ऑफ ग्लोबल मूवमेंट इश्यू इन द स्टेट डिपार्टमेंट। जल्दी करो सर, आईपीएल शुरू कद होया सी सर? आईपीएल शुरू हुआ था 2008 से शुरू हुआ था ठीक है, 8 है। हाँ जी करो जल्दी करो आंसर, क्या आएगा आंसर है सर यूएसए। क्या है सर? यूएसए। क्या आएगा? यूएसए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड इज फर्स्ट इंटीग्रेटेड मशीन इंस्टॉल्ड बाय सीएमएल बायोटेक एलटी लिमिटेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। किस क्या नाम था इसका, जल्दी जल्दी करो आंसर। ये क्वेश्चन भी जबरदस्त क्वेश्चन है जो अभी कर रहे हैं अपने, क्योंकि देखो मैं अभी भी कह रहा हूं कि 1.5 साल से पुराने क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछेगा ये, भले कितना मर्जी पेपर हो, कोई पेपर हो, 1.5 साल से पुराना क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। ये होता है एक आधे पेपर में इसने कोई पुराना पेपर हो कहीं से क्वेश्चन उठा के डाल दिए, बाकी ये 2022 जून से लेकर और ये 2023 ही पूछेगा, नहीं पूछेगा ज्यादा पुराना क्वेश्चन, कुछ मर्जी हो जाए चाहिए। एक पेपर से अपने सारी चीजें जज नहीं कर सकते कि सर यही पूछेगा, इतना पुराना नहीं पूछता यार, इतना पुराना क्वेश्चन उसके पास कहां से रखे होंगे। हैं? आंसर है सर, आंसर डी ऑप्शन है। क्या सर? डी ऑप्शन हमारा सही होगा, डी। क्या होगा सर? डी। नेक्स्ट देखो ये रहा क्वेश्चन, इन मई 2023 इंडियन बॉक्सर दीपक कुमार मोहम्मद हुसैन मुद्दीन एंड निशांत देव वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट द आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की करेंसी क्या है? हाँ फिर तो एक काम करेंगे, टीचर्स अगर ये पूछता है उसको बोले भाई तू ही कर पेपर, हम तो आंसर नहीं देंगे। हैं?
ठीक है, फिर तो उसको बोले यार तू संभाल ले फिर हमारे से यार, 2020 21 22 23 है, क्या क्या करेंगे बताओ। हाँ आंसर है सर सोम, क्या है सर सोम आंसर आएगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या होगा सोम, क्या होगा सोम। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है जयंत नार्लिकर कंफर्म द फर्स्ट गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, व्हेन वाज द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड, इसकी स्थापना कब हुई थी, एएसआई की। हाँ सर लैंग्वेज ओखी आज वाला क्वेश्चन, तभी तो मैं कह रहा हूं ना, ये तभी तो मैंने इसका सीरीज का नाम ही टीसीएस रखा है। वाह यार क्या बात है, बच्चे की देखो एक बच्चे का कमेंट आया, आई थिंक हरप्रीत सिंह का है कि सर जिस हिसाब से ये पूछ रहा है उस हिसाब से तो यही पूछ सकता है कि किंग्स पंजाब किंग्स जो है उसकी चीयर लीडर का नाम क्या, बिल्कुल पूछ सकता है, सही बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है यार है। हाँ बिल्कुल, अगर ऐसा पूछ रहा है तो फिर तो वो ये भी पूछ सकता है। ठीक है चलो आगे, रिसेंटली इन मई 2023 एंटोनियो फेलिक्स टोटा कारबजल अना रोड रोड्रिगेज ए रिनोल्ड फुटबॉलर एंड द ओनली प्लेयर टू कंप्लीट इन फाइव फीफा वर्ल्ड कप हैज पास्ड अवे, विच कंट्री डज ही हेल फ्रॉम, कहता ये कौन से देश से बिलोंग करता है। कल को यही पूछ लेगा कि प्रीति जनता के बारे में कुछ पूछ ले, ऐसे तो बहुत कुछ बन सकते हैं यार, ऐसे क्वेश्चन ही बनते होते हैं। हाँ जी करो जल्दी करो शाबाश, क्या आंसर आएगा सर, आंसर आएगा डी ऑप्शन, क्या आएगा डी ऑप्शन है मैक्सिको, क्या आएगा मैक्सिको हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है इन मेमोरी ऑफ एन इंडियन फुटबॉल लेजेंड द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज डिक्लेयर जून 23 टू बी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ग्रास रूट डे, चूज हिज नेम फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, कहता है किसके नाम पे ये रखा गया है। करो जल्दी करो आंसर क्या आएगा, आंसर ऐसे प्रदीप कुमार बनर्जी, किसके नाम पे रखा गया, प्रदीप कुमार बनर्जी के नाम पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द एविएशन एनालिटिक्स फर्म के अनुसार, का दुनिया का सबसे मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, मतलब जो समय पर फ्लाइट, जिन्होंने समय पर फ्लाइट को उड़ाया है, कभी फ्लाइट को मिस नहीं किया है। जल्दी जल्दी करो आंसर क्या आएगा, आंसर है सर जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या है सर जीएमआर हैदराबाद है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ओन ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस हैव
been discovered into two blocks in the Mumbai Offshore region. What are the name of two block? ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, स्पेशली जो एसएससी वगैरह के लिए और है, जो टफ एग्जाम है उनके लिए ये क्वेश्चन आते हैं. हाँ जी, सिंगापुर का सर चांगी एयरपोर्ट बेस्ट है, वेरी गुड. बोल, इसका आंसर है सर अमृत एंड मूंगा. क्या सर? अमृत एंड मूंगा, ए आंसर हमारा बिल्कुल है, सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखो, ए मेस प्रेयर कैंप ऑफ वर्ल्ड पीस एंड हैप्पीनेस बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नंस हैव बिगन रिसेंटली इन ले लद्दाख. व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल ग्रेट प्रेयर फेस्टिवल? इस फेस्टिवल का नाम क्या है जो अभी हाल ही में लद्दाख में मनाया गया है? कॉन्स्टेबल में नहीं होगा यार, कॉन्स्टेबल तो छोड़ो, कॉन्स्टेबल तो बहुत करंट आना है, लेटेस्ट आना है, लेकिन अभी आज का पेपर देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं अपने इसका, ठीक है. आंसर बताओ क्या आएगा इसका? आंसर सर एक नंबर से आएगा. क्या सर? लद्दाख मोलाम चेनोमा. अगला कहता है, सैंडली मई 2023 विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नेशन टू एस्टेब्लिश ए स्टेट स्पेसिफिक रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर इट्स हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट. कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, केरल, आंध्र प्रदेश. देखो ये क्वेश्चन आते हैं, देखो ये भी क्वेश्चन अपने आप ही बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है. देखो हाँ सर, एक पेपर ने स्टूडेंट को घुमाता, यही तो बात है ना, ये तभी तो इसको टीशियस बोलते हैं. और क्यों इसको टीशियस बोलते हैं? हैं, किसी ने चर्चा की पीटी प्लस बी बोर्ड की या कोई और बोर्ड की, लेकिन एक पेपर अभी तो एक दिन का पेपर हुआ है और दो शिफ्टों में पेपर हुआ है, तो ये टीशियस हो रही है. हैं, जब ये अगर ये मान लो जब ये एक महीने पेपर लेती है तो क्या हालत होगी, आप सोच के देखो. रिसेंटली माई गवर्नमेंट लॉन्च द टैलेंट कोलोबरेशन विद IHMS पूसा. व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम? अभी कोई प्रोग्राम चलाया किसके द्वारा? माई गवर्नमेंट के द्वारा, यानी भारत सरकार द्वारा चलाई गई है. अतः स्टार्टिंग है पेपर दिया जाता, सही है. टेम्पू टेडा हो गया है? हाँ, टेम्पू टेडा भी हो गया, कईयों का पलट भी गया है. आंसर क्या है सर? आंसर एक नंबर है. क्या सर? एक नंबर आंसर हमारा बिल्कुल है, सही आंसर होगा. नेक्स्ट देखो, इन विच स्टेट द बुद्धम सारनम गच्छा बुद्धम है ना, बुद्धम सरनाम गच्छामी प्रदर्शनी वाज इनोग्रेटेड रिसेंटली. कर्नाटक, उड़ीसा, गुजरात, केरला, न्यू दिल्ली. कहां पर आयोजित की गई इसकी प्रदर्शनी? आज योगा डे है, बिल्कुल इंटरनेशनल योगा डे है, आज योग करवाएंगे आपको, ठीक है. हां जी, आज योगा करेंगे, ठीक है. हाँ, आंसर क्या है सर? दिल्ली. क्या है सर? दिल्ली आंसर आएगा, न्यू दिल्ली. ई ऑप्शन हमारा सही होगा. नेक्स्ट चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा हैज पार्टनर विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड टू लॉन्च द इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी ऑन इट्स विच प्लेटफॉर्म? कौन से प्लेटफॉर्म पर यह शुरू की गई है? बस दो क्वेश्चन और करेंगे फिर योगा करने चलेंगे.
ठीक है, दो क्वेश्चन करेंगे फिर आपने योगा करेंगे आज, ठीक है। आंसर ए आएगा, क्या सर आंसर है, एक नंबर आएगा, क्या सर आंसर एक नंबर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे योगा करने जाएंगे मुझे पता है। अगले पे आओ, कहता विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू इन्फोर्स द राइट टू वर्क ड्यू टू द कंसिस्टेंट राइज इन डेथ ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट। ये अभी हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है, राइट टू वॉक, क्या शुरू किया गया सर, राइट टू वॉक शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फैशन कंपनी हैज अपॉइंटेड आलिया भट्ट एज इट्स फर्स्ट इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर हाउस। आलिया भट्ट को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। किसको सर है, गुक्की को, किसको सर, गुक्की को ब्रांड एम्बेसडर बना दे। तो ये आज अपने इतने क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों को टेंशन है ना, तो अपने आज पेपर का, पेपर होने दो उसका वेट करते हैं, फिर आपका कुछ ना कुछ टेंशन कम हो जाएगी है ना, क्योंकि आज के पेपर में मुझे नहीं लगता कि 2022 अगस्त सितंबर से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछेगा, लेकिन चलो फिर भी अपने कंफर्म हो जाएंगे कि आज क्या पूछेगा। आप इस किस किस का पेपर है आज बताओ, कमेंट करना एक बार, किस किस का पेपर है आज, आज पेपर किस किस का है, एसआई का पेपर, कमेंट करो यस लिखो जल्दी जल्दी जिनका आज पेपर है। हाँ जी, किस किस का पेपर है जल्दी करो, किसी का है पेपर आज, लवप्रीत आपका पेपर है, कब है, ठीक है क्वेश्चन बताना कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है। हाँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, ओके भाई आज की क्लास को चलो यहीं पे विराम देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, माता पिता का सम्मान करो, बड़ों को इज्जत और रिस्पेक्ट दो, छोटे बच्चों के साथ प्यार से रहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।